नजरों से वे निहाल हो जाते जो संत और भगवंत की नजरों में आ जाते हैं मनुष्य जीवन में अगर सत्संग नहीं मिला कुछ और सब मिल गया तब भी कुछ नहीं मिला स्वर्ग का पुण्य है भोगा फिर गिरना है हमें तो ऐसा मिले कि फिर पतन न हो वो सत्संग से मिल सकता है तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में सुत दारा और संपत्ति पापी को भी होए सुत माना पुत्र दारा माना पत्नी संपत्ति माना रुपया पैसा ये तो पापियों को भी होता है धर्मात्मा को भी होता है लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो संतों का सत्संग संग और भगवान की कथा ये दुर्लभ चीज है इसका फल अमिट है सुध छोड़ देगा शमशान तक पहुंचाएगा अग्निदान देगा दारा भी दो आंसू बहाकर बरामदे तक आएगी संपत्ति यहीं पड़ी जाएगी लेकिन सत्संग का फल जो है मौत का बाप भी छीन नहीं सकता मनुष्य चाहे कितना भी धनी हो जाए कितना भी कुछ विद्वान हो जाए सत्ताधीश हो जाए जब तक उसे सत्संग नहीं मिलता सोने की लंका मिल जाए सोने का हिरणपुर मिल जाए लेकिन सत्संग नहीं मिलता तो नीरसता नहीं मिटती नीरसता नहीं मिटती तो फिर अंदर का रस नहीं आता दिले तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली जब भी चाहिए परमात्मा से अपना सीधा ऑनलाइन बात हो सकती जयराम जी बोलना पड़ेगा अब जमाना ऑनलाइन का आ गया तो आध्यात्मिक जगत में भी ऐसी युक्ति और तरकियां तरकीबें आ गई हैं। भगवान शिवजी पार्वती को अगस्त आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को भगवान राम सीताजी को वशिष्ठ गुरु के आश्रम में ले जाते चौदह साल का वनवास मिला तो श्री रामचंद्र जी भरद्वाज आश्रम में सीता और लखन लाला को ले जाते स्वयं सत्संग सुनते मनुष्य जीवन में अगर सत्संग नहीं मिला कुछ और सब मिल गया तब भी कुछ नहीं मिला श्रीमद भागवत में कथा आती भगवान कृष्ण ग्वाल गोपियों को कभी कभी वन दिवस मनाने के निमित्त शुद्ध हवा में ले जाते जंगल की हवा आयु आरोग्य पुष्टि देने वाली अभी विज्ञानी बोलते हैं जो हमारे विज्ञानियों के बापों का बाप श्री कृष्ण देहाती जीवन में लोगों को लाभ दिलाते थे उसकी अब विज्ञानी सराहना करते एक घन मीटर में पांच करोड़ ऋण आयान ऊर्जा होती जहाँ नदियाँ हैं, पर्वत है जंगल है वहाँ की वायु शक्तिशाली होती है आरोग्यप्रद होती है वह वही वायु जब गांवों के तरफ की देखी जाती है तो पाँच करोड़ की जगह पर चार पाँच लाख मतलब सौमा हिस्सा उसमें पौष्टिकता रहती अगर वही वायु शहर के तरफ की मापते हैं तो करीब छोटा गांव है खेत खलियां पास में तो लाख ऋण आयन आदि अगर शहरों की मापी तो पचास हजार कहाँ तो पांच करोड़ और कहाँ शहर के वह पचास हजार श्री कृष्ण वन दिवस मनाने के निमित्त गोपों को रुष्ट पुष्ट होने वाली शुद्ध हवा में ले गए दोपहरी का भोजन किया भोजन के बाद सब इधर उधर लटार मारने को जाते ओ बलराम साकेती कृतवर्मा दंग रह गए कि एक सूखे कुएं में क्रिकेट गिर गया और छटपट आता है उसकी जान जोखम में सारे प्रयत्न करने के बाद भी क्रिकेट को निकालने में विफल हो गए श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण ने उसे निकलवाया और अपनी नूरानी निगाह नजरों से वे निहाल हो जाते जो संत और भगवंत की नज़रों में आ जाते हैं उस क्रिकेट के पाप राशि कटी और उसकी गर्दन लुढ़क गई देखते देखते उसके शरीर में से जीव रूपी ज्योति निकली और देवता का रूप धारण कर दिया दे दीप्यमान तेजस्वी देवता को देखकर ग्वाल गोप साकेती कृत वर्मा आदि सब चकित हो गए सब कुछ जानने वाले श्री कृष्ण अनजान होकर देवता को पूछते हैं कि हे देव पुरुष आप इस जंगल में हम, हम ग्वाल गोपों को दर्शन देने के लिए प, प, कहां से पधारे तब वो कहता है कि हे माधव ये दुनिया में जो भी मधुरता है ना उस परमात्मा सत्ता से आती ये पृथ्वी में जो गन्ने को मधुरता कहां से देते हो वो माधव की चेतना है माँ में स्नेह की मधुरता कहाँ से आती इसलिए हजार नामों में एक नाम भगवान का माधव भी है एक नाम गोविंद भी है गो माना इंद्रिया इंद्रिया जिसकी सत्ता से विचरण करती और एक नाम गोपाल भी है इंद्रिया थक कर जिसमें आती है पालित होती है तो उसका नाम पड़ता है गोपाल गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा उल्टा दो तो धारा चेतना की धारा जिसकी सत्ता से रमण करती वो भगवान क्या मंगलमय हजार हजार नाम है हर एक नाम का अपना महात्मा है अच्युत जो अपने पद से अपनी सत्ता से अपनी महिमा से अपनी पूर्णता से कभी चुत नहीं होते शरीर जवानी से चुत होता है बुढ़ापे में गिरता है बुढ़ापे से चुत होता है मौत में जाता है राष्ट्रपति हर पांच साल में अपने पद से चुत होते हैं चार साल में कहीं कहीं किसी देश का राष्ट्रपति था और चुत हुआ और उसको फांसी की सजा भी लग गई मर भी गया इंद्र भी अपने इंद्र पद से चुत हो जाता है लेकिन एक पर ब्रह्म परमात्मा है ये परलय हो जाए ये एक सूरज नहीं बारह सूरज तपते हैं तो आग आग हो जाती सब बाष्पीभूत हो जाता है तब भी परमात्मा चेतना की त्यों रहती है इसलिए भगवान का नाम है अच्युत इसी भगवान का नाम है केशव क माना ब्रह्मा श माना शिव व माना विष्णु विष्णु शिव और ब्रह्मा के हृदय में भी आप ही हो हमारे हिंदू धर्म ने बहुत ऊंची खोज की हजार नाम भगवान के इस्लाम ने 101 नाम खोजे ईसाइत ने नवाण नाम खोजे किसी पारसी आदि धर्म ने 27 नाम खोजे लेकिन हमने हजार हजार नाम खोजे और हमारे ऋषि कहते हैं कि हरि अनंत हरि के नाम और हरि का स्वभाव प्रभाव अनंत है हजार तो खोजे हैं लेकिन और भी है तो वो देवता कहता है कि हे अच्युत हे केशव हे गोविंद हे गोपाल हे माधव आप सब जानते फिर भी अनजान होकर पूछते मैं वो अभागा राजा था जो नीच योनियों में नरकों में भटकते हुए किरकिट होकर कुएं में पड़ा था आप ही ने मुझे निकलवाया और अभी देवता के रूप में खड़ा हूं हे गोविंद धरती पे सभी राजाओं से बढ़कर मेरा चक्रवर्ती शासन था आसमान के कोई तारे गिन सकता है लेकिन मैंने विद्वान और संतों को इतना गौवे दान करके संतुष्ट किया था कि मेरी अभी भी गाथा गाई जाती है राजा हो तो फला ना हो गऊदान करने में मेरा नंबर अव्वल है आसमान के तारे कोई गिन ले मैंने कितनी गौदान की कोई नहीं गिन सकता तो श्री कृष्ण समझ गए अच्छा तो तुम राजा नृग हो बोले हाँ माधव हे केशव वही अभागा नृग हूँ यश के लिए तो गाय दान की थी लेकिन मुझे अभागे को पता नहीं था कि सत्संग यश के भाप का भाप है मुझे सत्संग नहीं मिला था सब कुछ मिला था सब कुछ रह गया और मैं किरकिट होकर छटपट आ रहा हूं अब नग राजा बड़े दानी थे जो शरीर मर गया उसकी ना जय जयकार हो रही मुझे क्या मिला मुझे तो आपकी कृपा मिली कि इस नीच योनियों से मेरी सदगति हुई ए पर ब्रह्मा अब कृपा करके आशीर्वाद दीजिए मैं अब स्वर्ग का सुख भोगने जाऊंगा देखो ध्यान देना श्री कृष्ण ने क्रिकेट में से देवता बनाया है और देवता बनाया तो स्वर्ग के सुख की इच्छा है लेकिन शबरी स्वर्ग की इच्छा नहीं करती मीरा स्वर्ग की इच्छा नहीं करती मैंने गुरु जी के आगे स्वर्ग की इच्छा नहीं की स्वर्ग का पुण्य है भोगा फिर गिरना है हमें तो ऐसा मिले कि फिर पतन ना हो वो सत्संग से मिल सकता है सत्संग के लिए नहीं रोका वो स्वर्ग में चल गया जिसकी जैसी आदत होती है ना भोगने खाने की कह रहा है आसमा ये समा भी कुछ नहीं रो रही है शबन में ये निजारे कुछ नहीं जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुष झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं ये सब जगत बदलता जा रहा है बीतता जा रहा है आपका बचपन बच्च बीत गया बचपन के खिलौने खोजो तो मिलेंगे नहीं जवानी बीत गई और जवानी के न जाने क्या क्या तरंगों पर नाचते थे ये बनूंगा वो बनूंगा वो बनूंगा आखिर तो बुढ़ापा आता है रिटायरमेंट आती है कोई संसार में सार नहीं बेटे जहां नहीं था सार वहाँ गए नहीं और जहाँ नहीं था वहां पानी की तरंगों में से मक्खन निकालने की कोशिश की सत्संग से पता चलता है कि सार कहाँ है संसार में कितना भी दौड़ोगे कितना भी मिलेगा वो सार नहीं है इसलिए थोड़ा समय निकाल कर संसार के स्वामी से मिलने की कला सीख लो वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो हार को जीत में बदलने की कला सीख लो रुदन को गीत में बदलने की कला सीख लो अगर सत्संग मिलता रहे तो मौत को मुक्ति में बदलने की कला सीखी जाती हरिओम शिव शिव शाम